हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है ये अबाउट किस तरीके से एक सिविल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर स्टूडेंट किस तरीके से पैसे अर्न कर सकता है पार्ट टाइम जॉब में। अगर आपके पास अभी आप स्टडी पीरियड में हो तो कैसे कैसे हम लोग पैसे कमा सकते हैं, या अगर आप कहीं पर वर्किंग हो उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम होता है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। अगर वीडियो को अगर आपको पूरा देखिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ इसमें इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसके बाद लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हो, तो मैं ढेर सारे वीडियोस आप तक लेके आ रहा हूँ और यही आपकी लाइक और आपकी शेयर और सब्सक्राइब भी हमारी एनर्जी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों सिविल इंजीनियर को पैसे ना सिविल इंजीनियर ना एक लॉयर की तरह होता है, एक वकील की तरह होता है। इसके जितने क्लाइंट्स बनते जाते हैं उतनी इसकी अर्निंग होती चली जाती है। आप बोलेंगे किस तरीके से सर इसमें लॉयर की तरह किस तरीके से इनकम होती है। दोस्तों आपने सीधे सीधी बात है कि सपोज आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो या कर चुके हो, आपने एक छोटा सा कोर्स किया जिसका नाम है AutoCAD। अगर AutoCAD का कोर्स किया आपने, देखा होगा मैंने ढेर सारे वीडियोज़ बनाए हैं तो AutoCAD पे, AutoCAD का अगर आपने कोर्स किया, सिर्फ AutoCAD के कोर्स से अच्छे से आपने प्लानिंग और सेक्शन और एलिवेशन सीख लिया, आप किसी भी जगह पर किसी आर्किटेक्ट के पास जाइए और उसको बोलिए कि सर हम आपको 2D में प्लानिंग 3D और प्लानिंग सेक्शन और एलिवेशन इस तरीके से बना के देते हैं और ये हमारा काम है, इस तरीके से पोर्टफोलियो बना लीजिए। अगर आपको पोर्टफोलियो भी बनाना सीखना है तो उसके लिए भी कमेंट करिए, पोर्टफोलियो बनाना सीख लीजिए। और पोर्टफोलियो बना के अब किसी भी आर्किटेक्ट के पास जाइए, आर्किटेक्ट से बोलिए कि सर हमारा ये काम है और हमें आपसे अगर आपके पास कोई प्लानिंग है या सेक्शन एलिवेशन के लिए काम आए तो हमें उसके लिए बताइए और हम उसको आप तक क्या बोलते हैं आपको कम पैसे में बना के देंगे। तो आप इस तरीके से एक इजली अर्न करने का एक तरीका हो गया आपके पास, जिसमें आप प्लान करके किसी को सब दे सकते हो। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग तरीका आपके पास हो सकता है कि अगर आपने 3D मॉडलिंग सीख लिया, आजकल बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जैसे कि SketchUp या Revit सीख लिया, इसमें हम लोग बढ़िया एक्सटीरियर मॉडलिंग कर सकते हैं, मतलब बाहर का व्यू दिखा सकते हैं, अच्छे से घर का 3D मॉडल दिखा सकते हैं। कई ढेर सारी साइटें हैं जो इन 3D मॉडल्स को डायरेक्ट खरीदती हैं, तो ऐसे साइटों को आप डायरेक्ट 3D मॉडल दे सकते हो। साथ ही साथ अपने आसपास जो भी लोग हैं जिन्होंने प्लानिंग करवाया है उनको मॉडलिंग नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से इसको व्यू दिया जाए, तो उनको बोलिए कि मैं आपको 3D मॉडल बना के देता हूँ और आप उनसे भी बहुत अच्छे तरीके से पैसे 5 रुपये स्क्वायर फीट 6 रुपये स्क्वायर फीट आप पैसे अच्छे से ले सकते हो। अगर आप आर्किटेक्ट से कॉन्टैक्ट कर लेते हो, आपके पास 7 या 8 आर्किटेक्ट हैं, तो उनके थ्रू आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसके बाद तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है इन सिविल इंजीनियर के इनकम के लिए वो ये है कि आप इसे SketchUp ने सीखा या 3ds Max सीखा, तो इससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हो। दोस्तों इंटीरियर डिजाइनिंग करके आप आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इंटीरियर डिजाइनिंग बड़े शहरों में चल रहा है, जैसे मैं पुणे की बात करूँ या और डिफरेंट सिटीज़ की बात करूँ, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी इंटीरियर डिजाइनिंग चल रही है। किसी भी इंटीरियर डिजाइनर से मिल सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि हम आपको 3D में इंटीरियर बना के देंगे, उनको चाहिए होता है कि कम पैसे में हमको अच्छे डिजाइनिंग मतलब आप बना के दे दें और वो जल्दी वो आपसे काम मतलब कि करवा सके। ऐसे उनके पास बहुत से काम होते हैं जो आप करके 2 या 3 घंटे में बहुत ही अच्छे तरीके से इनकम गेट कर सकते हो, तो ये भी आपके पास एक अच्छा रूल है। चौथा जो आपको पैसे कमाने का सबसे अच्छा रूल है सिविल इंजीनियर के लिए, आपने डिग्री तो कंप्लीट की ही होगी, कंप्लीट डिग्री करने के बाद आप PMC जैसे पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, LDC लखनऊ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ऐसे जगहों पर जाके अपने रजिस्ट्रेशन को करवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन को करवा के प्लान को अप्रूव कर लो, ना सीख सकते हो। और उसके बाद आप खुद का एक छोटा सा ऑफिस डाल दीजिए कि हम प्लानिंग करते हैं, तो और प्लानिंग को अप्रूव मतलब आप अप्रूव करके प्लानिंग कर देते हो, तो इसके थ्रू भी बहुत अच्छे तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। और पांचवा सबसे अच्छा तरीका है कि आप एस्टीमेशन करके बहुत ही छोटे से स्टेप्स में एडवांस क्वांटिटी सर्वे का एक सॉफ्टवेयर है, वो भी आप ऑटोडेस्क का एक सॉफ्टवेयर है क्वांटिटी कॉफ, उसको भी सीख के आप अच्छे तरीके से एस्टीमेशन कर सकते हो। उसके अलावा आप मैनुअल एस्टीमेशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर रेविट आपने सीखा है तो रेविट में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, लिंक में मैं डाल दूंगा, किस तरीके से एस्टीमेशन कर सकते हो, उस तरीके से एस्टीमेशन सीख के आप प्रॉपर एस्टीमेशन से भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। उसका भी रजिस्ट्रेशन करा के और आप उसको अप्रूवल करके अच्छे तरीके से पैसे को कमा सकते हो। इसके अलावा एक तरीका डियर आपके पास 6th पार्ट है कि अगर आपको अच्छे तरीके से ब्लॉक्स बनाना आता है, जैसे कि चेयर टेबल ये सब बनाना आता है आपको, तो ऐसे साइटों को आप ऐसे ढेर सारे मॉडल्स बनाइए, और बनाने के बाद बहुत ढेर सारी ऐसी साइटें हैं, अभी मैं लाइक स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं किसी वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसी जगहों पर आप जाइए और ऐसे जगहों पर जाके अपने मॉडल को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। अगर उसे कोई परचेस करता है तो आप फिक्स प्राइस दे सकते हैं, $2, $3 एक बार आप डाल दीजिए, परमानेंट आपसे लोग खरीदते रहेंगे और जैसे खरीदेंगे आपको इनकम आती रहेगी। तो आप उसके लिए बहुत ढेर सारे वीडियोज हैं जिनको आप सर्च करके पता कर सकते हैं कि किस तरीके से ब्लॉक को सेल करते हैं। इसके अलावा जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ एक साइट है, लाइक साइट नहीं बोल सकते हैं मैं, अगर कोई बहुत ढेर सारी फ्रीलांसिंग साइट्स हैं जैसे कि upwork.com
fiverr.com ऐसे ढेर सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे जाके आप ऑनलाइन बिडिंग कर सकते हो। थोड़ा सा बिडिंग आपको सीखना पड़ेगा, अपना प्रपोजल लेटर अच्छा से बनाइए और बना के उनको बोलिए कि हम आपका काम जो लोग $20 में कर रहे हैं हम आपका डॉल $5 में काम कर देंगे आपको। और इस तरीके से आप फॉरेन के अच्छे अच्छे बहुत ईजी ड्राफ्टिंग के, 3D मॉडलिंग के, जो भी काम आपको पसंद हो ऐसे मॉडल्स आप ले सकते हो और मॉडल लेके आप उनको डिजाइन करके ऑनलाइन ही उनको दे सकते हो। आपको घर बैठे ही बहुत अच्छी इनकम आपके साथ आ सकती है, तो भी आपके पास एक अच्छा सोर्स है इनकम कमाने का। इसके अलावा अगर कुछ दोस्त जैसे होंगे जो एमटेक कर लिए होंगे स्ट्रक्चर से, तो उनको क्या करना चाहिए कि स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर से आप का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और स्ट्रक्चर का अप्रूवल दे सकते हैं। मीन्स बीम्स कॉलम्स आपके पास है कि नहीं, कितने mm का कॉलम रखना है, कितना साइज रखना है, 230x230 रखना है या क्या रखना है, तो ऐसे आप ढेर सारे स्ट्रक्चर्स को बना के स्ट्रक्चर की एनालिसिस करके, चाहे स्टील स्ट्रक्चर चाहे कंक्रीट स्ट्रक्चर, इसमें तो आपको पास भरमार पैसे हैं, मतलब इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक एक स्ट्रक्चर को पास करने में 2-2, 3-3 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो आप स्ट्रक्चर एनालिसिस करके भी बहुत अच्छे से, इसके बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। एमटेक अगर आपने किया है या आपका स्ट्रक्चर में एक्सपीरियंस है और आपने बीटेक ही किया है, आप ईटैब और स्टैट प्रो सीख लो, और या तो अगर सैफ सीख सकते हो सैफ सीख लो, तो उसे आप फाउंडेशन और स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर दोनों के डिज़ाइन करके प्रॉपर आप किसी भी जगह पे जाइए और उनको बोलिए कि हमको स्ट्रक्चर के नाते, हर एक आर्किटेक्ट चाहता है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर वाला इंजीनियर रहे सो दैट कि वो मिलकर काम कर सके, और उनके पास ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, तो आप उनसे जाके मिलके कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया संदीप माहेश्वरी जी से, वो तरीका ये था कि अगर हम लोग जैसे कि कई लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है, ऑफलाइन प्लानिंग करने, कई सिविल इंजीनियर जो पुराने हैं जो बहुत अच्छे अच्छे ऑफलाइन प्लानिंग करते हैं, अगर हम ऑनलाइन अपनी एक वेबसाइट बनाएं और वेबसाइट पे हम लोग लिखें कि हम लोग प्लानिंग ले करने का काम करते हैं और लोग हमें प्लानिंग के लिए ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करते हैं, अगर तो हम उन प्लानिंग को ले जाके, अगर हमको मान लीजिए प्लानिंग करना नहीं आता, आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप हमारे पास जो भी पुराने इंजीनियर हैं या जो भी अभी नए इंजीनियर जो प्लानिंग करते हैं, आप उनको उनसे कांटेक्ट कर लीजिए और कांटेक्ट करके बोलिए कि हम आपको काम देंगे, वो आपको काम करके अप्रूवल दे के आपको दे देंगे प्लान, और आप सामने वाले को प्लान सबमिट कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है आपके पास पैसे कमाने का, और बहुत ही अच्छी तरीके से इनकम आप कमा सकते हो। दोस्तों सारे तरीके जो हैं ये जेन्युइन हैं और इन सब तरीकों को मैं फॉलो करता हूं, मैं ऐसे आपको कोई यूट्यूब या कहीं से देख के आपको तरीका नहीं बता रहा, जो तरीका हम फॉलो कर रहे हैं उसी तरीके को आपको हमने शेयर किया है। होप आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा और आप इससे ज़रूर, अगर आप में से कोई एक भी बंदा अगर इस चीज़ को कर लेता है तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। और अगर आप में से कोई सिविल इंजीनियर बेरोजगार है तो उसको ये कॉन्टेक्ट ज़रूर दीजिएगा सो दैट कि वो ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज करके अपने इनकम को बढ़ा सके। और भी बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे हम पैसे कमा सकते हैं, क्या आप चाहते हो कि ऐसे तरीकों को भी हम लोग डिस्कस करें? अगर आप चाहते हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट करो और अपना नंबर दे सकते हो, या हमसे हमारा नंबर लेके आप कॉन्टेक्ट करके पर्सनली एडवाइस ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक।